हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अभी सुबह का 11 बजने वाला है और अभी मेरा मॉर्निंग का रूटीन सब खत्म हुआ। अभी मैं थोड़ी देर में लंच बनाऊंगी। आज थोड़ा मैं फ्री हूँ तो सोचा, थोड़ा एक्चुअली काम कम है मुझे, तो इसीलिए सोचा मैं आप सब लोगों से बात कर लूँ थोड़ा। एक्चुअली मेरा नई मेड आ गई है, तो पहले जो आती थी उसको तो कुछ हेल्थ प्रॉब्लम था और वो नहीं आई और शायद अभी नहीं आएगी, तो इसीलिए मैंने मेरे फ्रेंड को बोला था, नीचे रहते वो, उसको बोला था मैंने उसको नई मेड देखने के लिए, और उसने किसी को बोला था और वो आ रही है। तो देखते हैं कैसे काम करती है वो। पहले जो करती थी वो तो करती थी, इतना अच्छा नहीं कर रही थी, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये था कि एवरी मंथ 1 वीक बीच बीच में बंद करती थी, 8 दिन 10 दिन ऐसा नहीं आती थी, तो और बताती भी नहीं और फोन करती हूँ तो उठाती भी नहीं है, तो वो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। अभी देखती हूँ क्या करती है ये। और एक बार आप अगर कर रहे हो तो ठीक ठाक है, तो अगर नहीं, एक बार आप डिपेंडेंट हो गए उनके ऊपर तो फिर आपको कुछ नहीं होता है अकेले करने के लिए। और मेरा ये प्रॉब्लम है कि मैं, मुझे अकेले मेरा काम हो जाता है मैनेज, इतना काम नहीं रहता है, लेकिन मुझे थोड़ा कॉल जल्दी हो जाता है, तो फिर कॉल की वजह से मुझे फिर बैक पेन और मेरा जॉइंट पेन थोड़ा स्टार्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से थोड़ा मुझे उनके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। तो जो पहले घर में रहती थी मैं, जब उस घर में जो आती थी काम करने के लिए, वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा काम करती थी और अच्छी भी थी, और कभी किधर बंद करना है कितने दिन तो पहले बोल के जाती थी कि इतने दिन में नहीं आऊँगी, तो मैं मेरे हिसाब से मैनेज करती थी। लेकिन ये तो पहले, अभी जो आ रही थी बहुत टेंशन देती थी। अभी देखते हैं ये क्या करती है। और आज थोड़ा लंच, मतलब खाना बनाने का काम थोड़ा ज़्यादा है, अभी मैं लंच बनाऊंगी, और लंच बनाने के बाद मेरा रात, एक्चुअली डिनर में मैंने मेरा एक फ्रेंड को बुलाया है और वो हस्बैंड वाइफ दोनों आ रहे हैं रात को, तो फिर मैं लंच करने के बाद, बनाने के बाद ही फिर डिनर का थोड़ा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगी। और तो अभी जा रही हूँ मैं लंच बनाने के लिए। बाहर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उधर से थोड़ा साउंड आ रहा है, तो उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। तो मैं जा रही हूँ लंच बनाने। लंच बनाने के बाद मैं जब डिनर का प्रिपरेशन करूँगी तो उस टाइम मैं आपके साथ भी वो रेसिपी थोड़ा शेयर करूँगी और बात करूँगी। तो अभी जा रही हूँ मैं, क्या बाद में मिलते हैं। मेरा लंच अभी ख़त्म हो चुका है, अभी मैं आ गई हूँ कस्टर्ड बनाने के लिए। उसके लिए मैंने मिल्क गैस में रख दिया है बॉईल होने के लिए, और मिल्क बॉईल भी हो रहा है, और अलग से मैंने थोड़ा मिल्क रखा है रॉ मिल्क, उसके साथ मैं कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ। मैं 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ, ये वेनिला फ्लेवर का है, आप कोई भी फ्लेवर का ले सकते हैं। और उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि कोई लम्स ना रह जाए। अच्छे से मिलाने के बाद उसको मैं मिल्क में डाल दूँगी। अभी उसको अच्छे से, मतलब मिलाते रहना है, चलाते रहना है स्पून को, नहीं तो कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद, मतलब कस्टर्ड का मिक्सर वो डालने के बाद अगर आप नहीं चलाओगे तो फिर वो नीचे से लग जाएगा और जल जाएगा और टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा पूरा। अभी उसको अच्छे से मिलाना है, उसके बाद उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा शुगर, थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है डालने के बाद। अभी मैं शुगर डाल दिया उसमें, शुगर को भी अच्छे से मिला लूँगी मैं। कंटिन्यूसली ऐसा आपको चलाते रहना है, थोड़ा थिक हो गया है वो, और ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाता है, इसके लिए आप ज़्यादा गाढ़ा मत बनाना उसको। 5 मिनट के डालने के बाद, 5 मिनट वो होने के बाद उसको बंद कर दीजिएगा। कस्टर्ड मेरा रेडी हो गया है, बाद में मैं इसे सब फ्रूट्स कट करके डालूंगी। अभी मैंने पतीले में पानी गर्म कर लिया है। चलिए मैं एक बिरयानी बनाऊंगी, इसके लिए मैं राइस बना रही हूँ। उसमें सभी खड़ा मसाला डाल दिया है, दालचीनी, लौंग, इलायची और काली मिर्च सब डाल दिया है, और उसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल रही हूँ और थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल रही हूँ मैं। अभी मैं बासमती राइस सो करके रखा था थोड़ा 10 मिनट के लिए, उसको भी मैं डाल रही हूँ।
राइस को मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, जब तक 80% तक ही मैं कुक करूंगी, क्योंकि बाद में मुझे उसके 10 मिनट के लिए दम देना है, उसमें राइस पक जाएगा। थोड़ा सा मिला रही हूँ। और दूसरे साइड पे मैंने आलू रखा है कुकर में, क्योंकि मैं आलू पराठा बना रही हूँ, तो इसके लिए आलू बॉईल करने के लिए रखा है। राइस मेरा बन चुका है, अभी मैं कढ़ाई में ऑयल डाल रही हूँ, थोड़ा सा ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देती हूँ। उसके बाद मैं उसमें डाल रही हूँ 2 तेज़पत्ता, और उसमें डाल रही हूँ दालचीनी का टुकड़ा थोड़ा सा, और एक जावित्री, और चक्री, एक चक्रीफुल, और थोड़ा सा लौंग डाल रही हूँ उसमें, उसको थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी। और 2 इलायची भी डाल रही हूँ, छोटी इलायची, उसको थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद उसमें मैंने थोड़ा सा काली मिर्च है, इसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, काली मिर्च को, उसको भी थोड़ा फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद मैंने उसमें 2 प्याज कट करके रखा था, उसको मैंने डाल दिया है। प्याज को थोड़ा अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक मैं फ्राई करूँगी। प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए उससे उसके लिए मैं थोड़ा सा सॉल्ट भी डालूँगी उसमें। सॉल्ट डालने से प्याज थोड़ा जल्दी पक जाता है, अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। प्याज मेरा अच्छे से फ्राई हो गया है, अभी उसमें मैं एक टमाटो डाल रही हूँ, एक बड़ा टमाटो मैंने चॉप करके रखा है, उसको डाल रही हूँ मैं। टमाटो थोड़ा सॉफ्ट होने तक उसको मैं पकाऊंगी। टमाटो थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, अभी उसमें मैं मसाले डालूंगी, सूखा मसाला। अभी उसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ, 2 टेबल स्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी थोड़ा सा पकने दूंगी, उसका कच्चा स्मेल जो होता है वो थोड़ा जाने तक उसमें मैं पकाऊंगी। उसके बाद अभी मैं उसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, और उसमें डालूंगी 1 टीस्पून मैंने जीरा पाउडर, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अभी मैं उसमें डालूंगी थोड़ा सा चिल्ली पाउडर, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी उसमें। और थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ मैं उसमें, ताकि मसाला सब अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी मैं उसमें 1 टेबल स्पून में डाल रही हूँ बिरयानी मसाला, इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और अभी उसमें मैं डालूँगी कटा हुआ धनिया और पुदीना मैंने रखा है, इसको मैं डाल रही हूँ। उसको मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा गैस को, फ्लेम को बंद कर रही हूँ, क्योंकि उसमें मुझे कर्ड डालना है। मैं इसमें 1/2 कप दही डाल रही हूँ। अभी गैस अगर बंद नहीं होगा तो वो दही फट जाता है, इसलिए गैस बंद करके ही दही डालती हूँ मैं, और उसको अच्छे से मिला लेती हूँ। अभी उसमें मैं थोड़ा सा शुगर डालूँगी, चीनी डालने से उसका थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अभी उसको अच्छे से मिला लूँगी मैं। अभी मैं गैस को भी ऑन कर दूँगी, और ऐसे चलाते रहना है, और दही थोड़ा पानी छोड़ता है गैस, मतलब जलाने के बाद, हीट होने के बाद दही थोड़ा सा पानी छोड़ा है। अभी उसमें मैं और थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, और उसको थोड़ा बॉईल होने देती हूँ, उसके बाद ही मैं 1 डालूँगी उसमें। 1 को भी मैंने फ्राई करके रख लिया है, उसमें थोड़ा नमक, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर डाल के मैंने बॉईल करके रख लिया है, उसको मैं डाल रही हूँ। गैस को में भी मैंने फिर से बंद कर दिया है, और मैं नमक डालना भूल गई थी। अभी मैं थोड़ा सा प्याज में ही थोड़ा सा नमक डाला था, और अभी नमक में डाल रही हूँ,
और डाल रही हूँ थोड़ा सा अभी गरम मसाला, उसको डाल के उसको अच्छे से मिला लूँगी। गरम मसाला डाल के भी अच्छे से मिला लूँगी। उसके बाद अभी मैं उसके ऊपर राइस डालूँगी, जो राइस मैंने कुक करके रखा था वो मैं डाल दूँगी। इसे चारों तरफ स्प्रेड करके डालना है। आप चाहो तो लेयर में भी कर सकते हो, लेकिन मुझे ये इजी होता है तो मैं इससे भी अच्छा रहता है। राइस में डाल दिया, अभी उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ फ्राइड किया हुआ अनियन, थोड़ा सा प्याज मैंने अच्छे से भून के रखा था उसको मैं डाल रही हूँ ऊपर से, और उसके ऊपर डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा कटा हुआ धनिया और पुदीना और थोड़ा सा रखा था उसको मैं डाल रही हूँ, और उसके साथ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा केसर को मैंने मिल्क में रखा था सोक करके, उसको थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं, उससे अच्छा फ्लेवर आता है। और मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून घी, उसको भी डाल दिया है ऊपर से अच्छे से चारों तरफ। और फाइनली मैं डालूँगी थोड़ा सा रोज वाटर, अभी मैं उसको कवर करके 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकाऊँगी, उसके बाद हमारा बिरयानी रेडी हो जाएगा। अभी रात का 8:30 बज चुका है, अभी मैं बना रही हूँ आलू पराठा। आलू का भी स्टफिंग मैंने बना लिया है, उसका रेसिपी मैं और कभी आपके साथ शेयर करूँगी, और आज करूँगी तो बहुत वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए मैं इसका रेसिपी और कभी आपके साथ शेयर करूँगी। और हम मेरी फ्रेंड भी आने वाले हैं सब, तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, और थोड़ा कुछ भी बनाना है मुझे बिरयानी के लिए, रायता पापड़ फ्राई करना है, और थोड़ा सा मुझे कुछ बनाना भी है, तो इसीलिए और कस्टर्ड में भी ठंडा हो करने के लिए मैंने रखा है, उसमें भी मैं फ्रूट्स डालूँगी सब। तो आज के लिए इतना ही, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और वीडियो के नीचे राइट साइड में एक बटन आता है सब्सक्राइब बटन रेड कलर का, उसको दबा दीजिएगा, और उसके बाद एक बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा नया वीडियो सभी आप जब मैं अपलोड करूँ तो आपको भी नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, रहती हूँ, बाय बाय, गुड नाइट।